सर। अच्छा भैया, हम कवि गुल्लू गौतम, बाबा किनाराम म्यूजिक, बड़े भैया अजय लाल यादव के देखरेख में एक बिरहा छोड़त बानी, जौन बिरहा का शीर्षक अर्जुन का घमंड उर्फ भक्त के परीक्षा। हमें आशा न पूर्ण विश्वास बा आप सब लोगों के प्यार दुलार मिली। भूमिका में कहना है मास्टर, पांडव दल में खुशी जंग को जीत कर वीरों की वीरता लिख दिया रीती, अश्वमेघ जग करा छोड़ दो अश्व को, अरे मोहन कहे तो फरमान है, बांध लेगा जो घोड़ा कभी गुल्लू गौतम वही विश्व में समझो बलवान है। अच्छा भैया, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव दल को विजय श्री मिली। एक दिन भगवान कृष्ण आसन पर विराजमान हूं, सब लोग खड़ा हूं, अर्जुन एक ठीक सवाल के दिलन, भगवान कुरुक्षेत्र के अंदर एक से बढ़ एक महारथियन के हम मार गिरौली, हम शिविर ए धरती पर केहू हाओ का, भगवान की बड़ा तकलीफ भल, बड़ा दुख भल, भगवान कहन के अर्जुन अश्वमेध जग कराओ, एक घोड़ा मंगाओ, उसके गली में पाती बांध करके उसे छोड़ दो, जो घोड़ा को पकड़ेगा वह अर्जुन से युद्ध करेगा, जो उसमें विजयी होगा विश्व विजयी होगा। अश्वमेघ जग कराया गया, घोड़ा को मंगाया गया और घोड़ा पाती बात के छोड़ दिया गल, कुछ लोग पीछे पीछे लगा दिया गिलन के घोड़ा के पकड़ा लगे, घोड़ा पहुंच गल मगर देश में राजा मोर ध्वज की राजधानी में, भाव लगल कौवाली में, मगर देश में राजा मोर ध्वज के लड़का जेकर नाम तामर ध्वज बताया गया, अपने बगीचा में खिलत रहल, बगल में धनुष बाण रख के देखलस कि बड़ा सुंदर घोड़ा बा, जाके पकड़ के इते पेड़ में बांध दिलस, बांध दिलत तो भाव लगल मास्टर कहना हुआ, अरे घोड़ा को बांध करके, अरे घोड़ा को बांध करके गर्जा बघेला है,
बाध करके गरजा बघेला है, अरे घोड़ा को बाध करके, अरे गरजा बघेला है, अरे ना समझ नदान तू, अरे ना समझ नदान तू, अब ही गदेला है, तमाम लोग समझाओ थुन, अरे बेटा अभी तू बालक हुआ, घोड़ा के छोड़ दा, ये अर्जुन का घोड़ा है, नकुल हो सहदेव हो तमाम लोग हूं, लोग समझाओ तो लड़का मानत ना हो, कहानी की शुरुआत हो गई शहर में, ना ही लड़का मानल तो लोग कहत हूं, पांडव लाल के क्यों लाल तू मलाल दिया, पांडव लाल के क्यों लाल तू मलाल दिया, आसु को बांध के बेटा बड़ा बवाल किया, गगन भी कांपता धरती भी सिहर जाती है, गगन भी कांपता धरती भी सिहर जाती है, गांडी अपने जो टंकार को सुनाती है, उसको छोड़ के अभिमान कर ले सरजुन का, नहीं उठेगा धनुष बाण वीर अर्जुन का, बालक बोल उठा, बालक बोल उठा कर दल भले कट जाएगी, बालक बोल उठा कर दल भले कट जाएगी, मिजाज बिगड़ा तो प्रलय की बेला आएगी, साहस है तो शास्त्र का बुलावा है, जिगर में साहस है तो शास्त्र का बुलावा है, लड़ूंगा पांचों भाई से मेरा ये दावा है, लड़का कवस के वही अर्जुन के बात करथुआ, जवन अर्जुन महाभारत में रलन, भगवान ना रहता तो अर्जुन के समझ में आ जा, घोड़ा ले छोड़ा जा, अगर साहस हो तो कह दिया पांचों भाई आ जाइए हमसे लड़ ली हैं, अरे बाप रे बाप, जा करके लोग बतौलन भगवान के सामने, अर्जुन से बतौलन के छोटे से लड़का घोड़ा के बांधलस, भगवान मने मने मुस्करात हुन, अर्जुन गुस्सा में लाल धनुष बाण उठाने चल दिलन, और जब चल दिलन तो जाके देखलन लड़का वही बगीचा में खिलत बा, अपने तमंचा पर बाण चढ़ा ले, कहने हुआ तर्ज लगल मास्टर, अरे आज खाला चाहे, अरे बिहान लाला इतमाल बाटे छपरा, अरे शिवान वाला इतमाल बाटे छपरा, शिवान अर्जुन के बतौलन, अरे तो पांचों भाई के चैलेंज करत बा लड़िका, गुस्सा में अर्जुन जाके एक ठे बाण चढ़ाई दिलन, चला दिलन तो कहना हुआ का, केरे लड़िका को बतिया, अरे छेदला तनवा लेके हथावा में धनुषा, अरे चला मई बनावा लेके हथावा में धनुषा,
जब एक बाण चलूंगा लड़का दौड़ के वो धनुष बाण अपन उठा ले लस, उठा ले लस तो वो लगल चलावे। तो कहना हुआ कि अरे सन के समरिया में सनासन बाण है, लड़े दोनों वीर अपने सिनेमा के ताल है, हथावा में धनुषा, अरे चला मई बनावा लेके हथावा में धनुषा। दोनों तरफ से बाण चलत बा, अर्जुन परेशान हो गिलन, अपन तमाम बाण छोड़ के लाचार हो गिलन। त कैलन का कि पशुपत बाण अर्जुन ले हलाई सारी, तनवा मर लौहा बदल रे मुरारी, व्यर्थ भइले बाका अरे बनावली जनवा लेके हथावा में धनुषा, अरे चला मई बनावा लेके हथावा में धनुषा। अर्जुन लाचार होकर के पशुपत बाण निकाल लेलन। भगवान हंसने लगलन, कहले बा अर्जुन बा, महाभारत के अंदर एक से बढ़ एक महारथियन के मार गिरेला, ए पशुपत बाण की जरूरत ना पड़ल। एक छोटे से लड़का के ऊपर पशुपत बाण चलावल चाहत हुआ तो शर्म नहीं खा। अर्जुन धनुष बाण रख दिलन, कहले कि भगवान कुल बाण तो चला दिली, का करी भाव लगल तेरी में। अर्जुन लचार होकर के भगवान से कथुन कि अरे कमाई बा यही समर में जनवा, कि अरे कमाई बा यही समर में जनवा, चिता लगा के खुद ही तन में लाग लगई बा, अरे लगई बा, अरे लगई बा। कहले कि भगवान अब हम कहीं न जाब, यही जय चीता लगा के अपने तन में आग लगा के अपन प्राण त्याग दे। भगवान समझावत हूं अर्जुन ऐसन काहे करबा, तू जानत हुआ वो के लड़का हो, चला तुके दिखाई। अर्जुन और भगवान कृष्ण साधु के वेश बनाते हैं, महाकाल को बुला करके शेर बनाते हैं, शेर को साथ में लेकर भगवान और अर्जुन चल देते हैं। पहुंचला कहां राजा मोरध्वज के दरवाजे, तो गीत लगल मास्टर दिखाए अरविंद भैया एक थे दूल्हे ही है, अपने आदमी से कहते कि चला मैहर देवी के दर्शन करा दा और मेला भी घुमा दा, यह बात कहते लेकिन मर्दा समझावत हो का नया नोहरी अभी कनिया बाड़ू, नया नोहर अभी कनिया बाड़ू, मैहर जाए के कहे जिद कर ताड़ू, मैहर हमरों के दल बूढ़निया, हमरों के दल बूढ़निया, हमरों के दल बूढ़निया, झूठही के झमेला में गोरिया भुलाई जैबू माई हर के मेला। साधु के वेश में भगवान
और अर्जुन भजन गावत हूँ, का गावत हूँ का बजावत हूँ, यह लिखा के पुलका कि अरे सुंदर भजनिया की गावत बाटे, कि सुंदर भजनिया के गावत बाटे, द्वारा पे लिखा जगावत बाटे, द्वारा पे कैसन हुए राजा, कैसन हुए राजी धानी हो, सुन के आवाज राजा नंगे पाँव अइले, कैसन हुए राजा, कैसन हुए राजधानी हो, कैसन हुए राजा, कैसन हुए भजन के राजा अपने दरबार में सुनलन, आ जब दरबार में सुनलन आकर के दौड़ करके साधु लोगन के पैर पे गिर पड़लन, चली महाराज भोजन हम कराई ले जाके आसन लगा दिलन, आ जब आसन लगा दिलन भगवान कृष्ण साधु के वेश में बोलत हूं, तर्क लगल मास्टर ये तर्जबा, काधा झूला झूलन आजा, काधा झूला झूलन आजा, बोलावें राधा प्यारी, यही तर्ज में भगवान साधु के वेश में बोलत है राजन, यह मेरा सिंह कई दोस्त से भूखा है, पहले मेरा सिंह आहार करेगा, इसके बाद तो हम लोग भोजन करेंगे। राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गिल, आपके सिंह के भी भोजन करा दे, कल नहीं सुनो मेरा सिंह क्या क्या आहार करेगा, पहले सुनो कलन का बा, कि साधु बोले मधुरी बानी, साधु बोले मधुरी बानी, सुना हो राजा रानी, अरे राजन मेरी बात को सुनो, दोनों प्राणी यारा चलाई दे बलना के अलगाई, कि बरसा अखिया से ना पानी, सुनाए राजा रानी, अरे राजन अपने बेटा को मेरे सामने दोनों प्राणी मिलकर के आरा से चिरोगे, उसके बाएं अंग को फेंक दिया जाएगा,
दाहिना अंग का मेरा सिंह भोजन करेगा। ये बात की राजा जा के रानी से बताबो थम। दो साधुओं ने ऐसा शर्त रख दिलन। रानी जब सुन ली अपने बेटा की बुला के अपने गोद में लेकर के चुमत चाट थी, कहना हुआ मास्टर सारंगीत लगल। आज माई सुन लेने की हमने के हाथ से आज हमार बेटा चीरल जीन आंख में आंसू लेके अपने बेटा के चुमत ही चाटत ही प्यार बुलार करत ही, कहना हुआ का फूलवा से कोमल होला, फूलवा से कोमल होला, माई कही आरा आहा, माई कही आरा आहा, सारी दी फूलवा से कोमल होला, माई कह दिया रावा, माई कह दिया रावा, कैसे दी है लाल के भी सारी दी। पजरा बोलाई माई, पजरा बोलाई चूमे ललके चेहरा वाहा, ललका चेहरा वाहा, छतिया से अपनी लगाई दी। राजा समझावे रानी मनिला कहाना वाहा, मनिला कहाना वाहा, अरवा के ले बूतू उठाई दी। साधु के सामनवा बैठी गईले सुगाना वाहा, बैठल सुगाना वाहा, अरदिहले सिरा लगाई दी। ले आ करके अपने बेटा कुरानी साधु के सामने एक तरफ कुछ प्रजा बैठी है, एक तरफ आसन पर दोनों साधु जो भगवान कृष्ण और अर्जुन बगल में सिंह बैठा हुआ है। आज अपने बेटा के बैठा के राजा रानी उसके सर पे आरा लगा दिलन। तो भाव विदेशिया मिलल मास्टर कि खून में रंगाई गई ले, ए बाबू घर वाला नाना हो, अरवा चला वही राजा संग में मारिया, अतन को नहीं डोले अगोदी के सुगाना हो, किया धर चिराई गई ली लाल के सारी रिया, आज वही अलग भाई अचाहत बाट ताना हो, आ दुई बुदया सूगी रल बाई रे नजरिया, कि राजा समझावे रानी अरे मानिला कहाना हो, अब व्यर्थ हो जाई चीरल लाला के सारी रिया, ए बाबू
राजा रानी तामर ध्वज के सर पे आरा लगा के चीरत हुन, जे वही शरीर अलग होना चाहती, सबर का बांध टूट पड़ा। रानी के आंखों से बाई आंख से दो बूंद आंसू टपक पड़ल। भगवान कृष्ण साधु के भेष में गुस्सा में खड़ा हो जाते हैं। राजन, ए तेरे बेटे की मांस बेकार हो गई, मेरा सिंहार नहीं करेगा। राजा रानी दौड़ के जाकर की भगवान की चरणिया में गिर पड़न। प्रभु एक थे हमार बात सुना, बेटा के मरले के चिरेले के गम ना, गम कौने बात कहो। रानी बतावत रो रो के पापड़ में भाव लगल। मास्टर की बोले राजा रानी दोनों परानी साधु बाबा हो, की बोले राजा रानी दोनों परानी साधु बाबा हो, माफ करा बाल का यमना दानी साधु बाबा हो। बोली रानी दिल में चिंता आगम ना बामुनी राई हा, सेवा में सरकार समर्पित अमन मोर हर साई हा। अरे बाया नयन बा माया नयन बा दुख में बरसल पानी साधु बाबा हा, माफ कर महन कयब नदानी साधु बाबा हा। रानी कहती है बाबा जब ने बेटा की 9 महीना ढोली ओदे से जुरे के लिए, कस हमरे बेटा का पूरा शरीरिया कामे आ जा, आज हमरे आंख से आंसू नहीं गिरत। गम यही बात कहो हमन से कौन कमी भई, हमरे बेटा के खाली दाहिना अंग काम में आल, ऐसा जिंदगी में कौन भूल हो गई। भगवान एक शर्त रखते हैं, ठीक है भाव लग लाला में, अरे बोले साधु बाबा अरे माधुरी बचनिया, किरानी के कर में दा काटरिये हो थमाया, मसिया साजा के दिल में खुशी कर लहरिया, खाई गई सिंह जबकि मोर मुस्कान, हाथ में कतार लेकर चलल मायरिया, अर्जुन का छाती आ गई लिहारा, टुकड़ा बना के देखा नजर गड़ा के, खुना में सारिया गई लहर नार, प्रेम से परोस के लिए सिंह के संभाला, अपने बेटे की शरीर को 3 टुकड़ा करके रानी ले जाकर के शेर के सामने रख देती है। शेर मुस्कुरा के खाने लगता है। राजा रानी बड़ा खुश भइलन,
जा के रानी खाना लगावा, लेकिन भाव मिलल लाश। रानी दोनों साधुओं को खाना सजा करके ले ली, सामने रख ली। भगवान कृष्ण साधु के वेश में कहते कि नहीं, खाना 5 थाली में ले आओ और राजा रानी भी हम लोगों के साथ भोजन करेंगे। कहन का कि भोले साधु खाना 5 थाली में ले आवा हो, असंगों में बैठ के असना लगावा हो। भोजन सजाई के आ एक थाली बैठल के तमर भजाई के पांच थाली भोजन सजा कर की रानी ले आती। 2 थाली पर दोनों साधु, 2 थाली पर राजा रानी। एक खाना थाली का पड़ा हुआ खाली है, आकर के तामर ध्वज बैठ जाता है। रानी देखनी जाकर के खड़ा होकर के गले से लगा ले, राजा मोर ध्वज जाके चरण में गिर गेलन। सरकार आप लोग हुआ के अपन परिचय बतावा। भगवान कृष्ण अपने भीष्म चक्र सुदर्शन लेकर आए, इधर अर्जुन धनुष बाण लेकर खड़े होते हैं। दोनों प्राणी चरण में गिर गेलन। तो कहना हुआ भगवान कहलन की तेरी भक्ति पूर्ण हुई, कुछ मांग लो, मांगना चाहती हो तो। राजा कहलन की सरकार दर्शन मिलकर लिए बहुत काफी, हमके कुछ ना चाहिए। तेरा पत्तो बिल्ले धुरा गुल्लू गौतम के गानावा, बोले साधु राजा रानी भी खाई है सना। गुरु बिहारी गुरुपत्तु छैबर की महिमा भारी, स्वर्ग में आसन पाए कबीवर हो लाल बिहारी। समर में अरे गवई बैनवा, गवई बही समर में गनवा, द्वितीय गुरु